मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के मकसद से ग्वालियर में आयोजित हो रहे पंच कल्याण महोत्सव में शिरकत करने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। यहां फूलबाग मैदान में उन्होंने जैन मुनि विहर सागर महाराज सहित मुनि श्री विजय सागर महाराज विनिबोध सागर महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुनि श्री विहर सागर महाराज ने सिंधिया परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने हमेशा ही धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई है एवं उन्होंने जनसेवा को अपना माध्यम बनाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से वे आम लोगों की सेवा कर रहे हैं एवं समूचे देश प्रदेश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं उससे उन्हें उम्मीद है कि वे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले समय में प्रदेश की कमान संभालेंगे यानी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जैन मुनि विहर सागर महाराज ने कहा है कि ग्वालियर किले में स्थित गोपालचल पर्वत अपने आप में अनूठा है जहां भगवान पारसनाथ की 45 फुट ऊंची अनोखी प्रतिमा है जो ग्वालियर और देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। यहां दूर दराज से सैलानी एवं श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने सिंधिया से अपील की है कि वे गोपालचल पर्वत को विश्व पटल पर रखने में और ज़्यादा कोशिश करें। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि वे भले ही जैन परिवार में नहीं जन्मे हैं लेकिन वह अपने आप को जैन परिवार का सदस्य ही मानते हैं। जैन समाज ने विश्व को शांति और अहिंसा का मार्ग बताया है जिस पर मौजूदा दौर में अनुसरण करने के पूरे विश्व को जरूरत है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जैव विविधता मंत्री मार्ग बताया है जिस पर मौजूदा दौर में अनुसरण करने की पूरे विश्व को जरूरत है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जैन विविधता मंत्री भारत सिंह कुशवाहा एवं अन्य कार्यकर्ता और जैन समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। मार्ग बताया है जिस पर मौजूदा दौर में अनुसरण करने की पूरे विश्व को जरूरत है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जैव विविधता मंत्री भारत सिंह कुशवाहा एवं अन्य कार्यकर्ता और जैन समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर देखेंगे फास्ट मूवर के रूप में हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी जो कि अपन देखें फास्ट मूवर है। नई नई खोज करते हैं कैसे एन प्रकार ने अपनी जनता की अपनी सेवा कैसे कर सके आगे ले जा सके कैसे। और मैं तो चाहता हूँ अभी देखिए अभी लोग वहाँ चर्चा करते हैं ज्योतिराज सिंधिया जी लोग यहाँ हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। अभी एमपी से बड़ा लगाव है पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे है अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है उसे वह ऊपर ले जाना चाहते हैं और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है और उनका बेखूबी और अपन देखेंगे कि हमारे देखेंगे कि मैं चाहूंगा हमारे सिंधिया जी जब भी कहीं जाएं मतलब कुछ भी जा रहे हैं तो एक बार वहां पर गोपाचल की बात जरूर करा करें क्योंकि अपन देखें अगर कुंडलपुर पूरे देश में जाना जाता है तो हमारा गोपाचल ग्वालियर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भगवान है वो 45 फुट ऊंचे पद्मासन में ऐसे भगवान है जहाँ आप गर्व से कह सकते हैं गोपाचल पर पारसनाथ भगवान विराजमान है और ग्वालियर में ही नहीं राजघराने के प्रत्येक सदस्य की आत्मा में गोपाचल पारसनाथ बसते हैं। ऐसे ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए मैं चाहूंगा हमारे इस हमारे
और परम पूज्य मुनि व्यासागर जी महाराज जब भी इस क्षेत्र में आते हैं उनके पैरों में नमन करना ये तो मैं अपना दायित्व मानता हूँ। और आज इसलिए कुंडलपुर में परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के यहाँ दर्शन करने में जा रहा हूँ, और उसके पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके चरणों का मैं दर्शन करूँ। जैन समाज में जन्म तो मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जैन समाज का एक नागरिक के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, और आपके समाज और आपके धर्म के रास्ते पे चलने का पूरी कोशिश मैं करता हूँ। आपका आशीर्वाद इस अंचल पे रहे, क्षेत्र पे रहे, हम पर रहे, और आपके मार्गदर्शन के आधार पे ही आगे भी राजनीति का रास्ता नहीं लेकिन जनसेवा का रास्ता का मार्ग हम लोग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत हमारे पिछली बार